और कुछ लोग कहते हैं ना मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने जाएंगे। मैं कहता हूं कचहरी से बुलावे आ रहे हैं, मकान लिखे जा रहे हैं, जमीनें लिखी जा रही हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। और बच्चों की शादी कर लूंगा तो जाऊंगा, तू मर जाएगा तो तेरे बच्चों की शादी नहीं होगी। ये कौन सा अकीदा लिए फिरता है? एक शायर कह रहा था मेरा दिल धड़क रहा है और पहिया हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे ले चलो मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है। मैंने उससे बाद में कहा तुझे झूठ बोलने के लिए माइक मिलता है क्या हुआ? मैंने कहा तू कह रहा है तेरा दिल धड़क रहा है, अगर मैंने कहा आपका दिल धड़कता ना भाईजान तो 10 लाख की कार ना खरीदते, पहले 1 लाख खर्च करके मदीना चले जाते। क्या कहना है, वाह 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 वाह। लोग बूढ़े हो गए हज के फजाइल पे तकरीर करते हुए और हज को नहीं गए। एक मुकर्रर साहब तकरीर कर रहे थे कि मैं, मुझे किसी ने तकरीर करते करते हज का वो उमरे का टिकट दे दिया तो मैं पीछे बैठा। मैंने कहा भाईजान आप पे तो हज फर्ज हो चुका है, मगर भिखारी कहीं भी पहुंच जाए वो भिखारी भिखारी रहता है, यानी हुजूर की बारगाह में भी जाएगा तो किसी की भीख से जाएगा। मदीना जाओ जल्दी देख लो, मदीना देख लोगे तो मरते वक्त अफसोस नहीं होगा। और जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लोग कहते हैं लाहौर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मैं कहता हूं लाहौर वाहौर क्या चीज है भाई, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। मदीना जाओ तो तस्वीर फोटोग्राफर बन के मत जाना, वहां जाके तस्वीरें मत खींचना, काबे में जाकर के जो है लाइव मत चलाना। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मक्के के अरब के अंदर सबसे ज्यादा जो कहीं तस्वीर खींचती है तो वो जगह काबा है। एक रिसर्च हुआ है कि सबसे ज्यादा सेल्फी कहां खींचती है तो वो इस वक्त काबा है, यानी पूरी दुनिया जहां जाके रोती थी मुसलमान, आज जहां सबसे ज्यादा तस्वीर खींचते हैं, लो मैं काबे में हूं, मुझे देख लो, मुझे लाइक कर दो, मुझे तस्वीर मैंने खींच दी। माज़ अल्लाह, काबे में तू जा रहा है, इमाम हसन हुसैन काबे में गए हैं तो पैदल गए जाते थे, 25 हज किए थे, कितने हज किए थे बोलो, 25 हज किए पैदल हसनैन करीमैन ने, पैदल 25 हज किए, कभी वो सवारी पे नहीं बैठे। किसी ने कहा ए हसनैन हसन हुसैन आप जाते तो आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते? कहने लगे अल्लाह के घर पे सवारी पे बैठते हुए जाते बेशर्माते। काबा जाके तो कहना चाहिए था मैं काबा आने के लायक नहीं था मालिक, तूने मुझे काबा दिखा दिया। हैरत से खुद को कभी देखता हूं और देखता हूं कभी मैं हरम को, लाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर, ये काबा की जगह है, वहां जाके गुनाह याद आने चाहिए थे, रोना चाहिए था बंदे को, पूरी जिंदगी कहा था मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अब सामने काबा है तो तस्वीरें खींच रहा है। गौसे आजम मक्के से निकल रहे कंकरी उठा के चूम रहे, किसी ने पूछा मक्के की कंकरी को क्यों चूमते हैं? पर मैं लगे तुमको पता नहीं मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से कंकर पे मेरे नाना का पांव लग गया हो। मेरा इमाम कहता हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अल्लाह मक्का ले जाए तो तस्वीरें मत बनाना, मदीना ले जाए तो इमाम मालिक मवाजे शरीफ के सामने बैठ के हदीस पढ़ाते थे, किताब का जब बर्क लौटते थे जब पेज लौटते थे तो हाथ नीचे लगा लेते थे, यानी अब कब किताब लौट रहे हैं और उसके पेज के नीचे अपना हाथ लगा लिया और नीचे को लेके आ रहे हैं उसको, अल्लाह अकबर, यानी ये नहीं वो नीचे उसे गिरने नहीं देते। किसी ने पूछा ये किताब पढ़ते वक्त ये गिरने क्यों नहीं देते हैं? कह लगे मैं नहीं चाहता कि हुजूर के मदीने में किताब की भी आवाज पैदा हो, मदीने में किताब की आवाज पैदा हो। मियाँ मदीने में मेरा इमाम गया तो कहता है खौफ है समा खराशी है सगे तहबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। आला फरमाते मुझे डर है कि मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ ना हो जाए। मैं इस वजह से रोता नहीं। आला गुजर के जा रहे कुत्ते ने कुछ मांग लिया, कुत्ते ने आला ने गोश्त का टुकड़ा देके रोने लगे। किसी ने जब रोने का सबब पूछा अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी ने तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा पारा ए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी बाबा। अहमद रजा ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था मदीने का कुत्ता था, इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा निकाल के दे देता मगर तूने कलेजा निकाल के नहीं दिया। आज लोग मदीने को मजाक समझते हैं, वहां रीले बनाते हैं, वहां तस्वीरें बनाते हैं, वहां जाकर के अपने फॉलोवर बढ़ाते हैं, बदबख्त बेगैरत को शर्म नहीं आती, मगर आज जाता तो ये जाके कहता कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊं का है गवाह, फिर रद हो कभी शान करीमों के की है सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। और मदीना गाफिल ऐसी जगह है कि मदीने जो एक बार फरिश्ता आता है वो दूसरी बार मदीने में हाजिरी नहीं करता, मगर गुनेगार बार बार जाते हैं, गुनेगार बार बार जाते हैं। और याद रखो दुनिया की पूरी दुनिया में घूमने की बहुत जगह है, कोई कश्मीर एक बार जाता है तो दूसरी बार कश्मीर नहीं जाता, जो एक बार शिमला जाता है वो दूसरी बार शिमला नहीं जाता, वो कहता है मैं शिमला के अलावा अब ऊटी देखूंगा, और
जो शिमला देख लेता है वो दार्जिलिंग जाता है, जो दार्जिलिंग देख लेता है वो कहता है मैं लद्दाख जाऊंगा। लद्दाख वाले कहते हैं कि आप मालदीव देखेंगे, जो मालदीव देख लेता है वो कहता है मैं स्विट्जरलैंड देखूंगा। स्विट्जरलैंड देखने के बाद दूसरी बार नहीं जाता, कहता है मैं अब अमरीका जाऊंगा। मगर जो एक बार मदीना जाता है वो कहता है मैं बार बार मदीना जाऊंगा। अरे जिंदाबाद, बोलो जरा बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पढ़े मेरे साथ ये शेर पढ़े, उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना। और ये शेर मैंने, ये शेर सुन लीजिए, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, दिल मेरा दूसरा मदीना। इको कम करके मेरी तकरीर शुरू हो रही है। तकरीर का उनवान बड़ा सादा है, सिंपल है, बहुत आम है। आप तरजीहात का तयन कर लीजिए, बस ये मेरी तकरीर है आज। किसको अपना दर्द बताना है और किसको नहीं बताना, यानी हमने जख्म उसे दिखाया जो जख्मों का इलाज नहीं जानता है, बल्कि उसमें नमक लिए फिरता है। हर हाथ में नमक है, ना दिखाओ जख्म किसी को। जब कोई पूछे क्या हाल है, तो मेरे गौसे आलम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है, और वो मेरा रब है। फरमाते हैं गौसे आलम अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। अब ये गर्मी की शिकायत, ये सर्दी की शिकायत ही उससे बयान कर दिया। अब ये जो आपके सामने, ये जो आपको मैसेज करते हैं ना, जुमा मुबारक वगैरह वगैरह, इनको आप मैसेज भेजिए और कहिए जुमा तो मुबारक है मगर मुझे 10,000 की जरूरत है, इंशाल्लाह आपको ब्लॉक कर देंगे। कहां रोना था ये जरूरी था, किसको दर्द बताना था ये जरूरी था, अल्लाह के सामने रोना था। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। फरमाते हैं मौला अली दर्द वो जगह वो चीज है जिसको चौराहे पे बैठ के उसे रुसवा ना कर, बल्कि तन्हाई में सजदा करके दर्द का इनाम रब से ले ले। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दर्द ऐसी टैबलेट है जितने किसनों को वली बना दिया, मगर इधर रोए इधर रोए, अंधे के सामने रोएंगे अपने भी नैन खोएंगे। मैं गया था कश्मीर में, तो कश्मीर में एक आदमी मुझको मिला, वह कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं मगर मैं जो बात बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनने की है। कश्मीर में गैर एक मुसलमान मिला, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, उसको कैंसर था और 90% कैंसर उसके मेदे में था। मैंने उससे पूछा अकेले तन्हाई में, सलीम भाई क्या हाल है, कह लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है, कह लगे सुना नहीं है सैयद साहब, मुझको कैंसर लिखा पड़ा है, टाटा अस्पताल ने कहा है कि तुम्हारे 90% कैंसर हो चुका है मेदे में लीवर में और तुम एक दो महीने में मर जाओगे, मगर अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा शुक्र किस बात पर है, कहले कि जरा सोचे तो कितनों को अचानक मौत आ जाती है एक्सीडेंट में, अटैक से, ऐसे वैसे, मगर मेरे रब ने मुझे 2 महीने का वक्त दिया है तौबा करने का। बड़ा पापी इंसान हूं, कहता जिस दिन से सुना है कैंसर है अब दुनिया भूल गया, बस अब रातों को रोता। मैं कहा दाढ़ी क्यों रखाई है, कह लेंगे और तो कोई नेकी नहीं की थी, अब हुजूर को कब्र में मुंह दिखाना है तो अब दाढ़ी रखा ली। अब ना के लाज से कहूंगा या रसूल अल्लाह जल्दी जल्दी मैं दाढ़ी रखा पाया हूं, ये लेके आ गया हूं दाढ़ी। कहता दिन गुजर जाता है रात नहीं गुजरती, मेरी छोटी बेटी 3 महीने की है, बड़ा बेटा 3 साल का है, कहते मेरी उम्र 32 साल है, मेरे पास पेट्रोल पंप है अपना मगर मैं किसी लायक नहीं, अब ना पेट्रोल पंप मेरे किसी काम का है। अल्लाह अकबर, एक आदमी मुझे इलाहाबाद में अपने घर ले गया, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें, वो बीमार है। मैं उसके घर गया, उसका बेटा ऐसे आम बीमार नहीं था, 4 साल से कोमा में था।
एसी लगा रहा था, ऊपर से नीचे गिर गया, उसको कोमा में, उसका दिमाग खराब, वो जो है डैमेज हो गया। और वो फिर चार साल से वो कहता है मैं सब्जी बेचता हूं और मैंने अपनी दुकान तक बेच दी, एक ही दुकान थी, अपने बच्चे के इलाज में, एक ही मेरा बेटा है, एसी का काम करता था, शादी को 6 महीने हुए थे, अब हुजूर मैंने अपनी अपनी दुकान तक बेच दी, मैंने सब जगह दिखाया मगर ये कहीं ठीक नहीं हुआ, इसकी नाक में नली लगी हुई है, छोटा सा घर है, उसमें एक कमरा है, उसी में एक जवान लड़का पड़ा है। वो कहने लगे मेरी बीबी कहती है दुआ करो या तो ये मर जाए या ठीक हो जाए, क्योंकि जवान बेटी की लैट्रिन पेशाब करते हुए मुझे शर्म आती है। अल्लाह अकबर, जिसके घर में एक अपाहिज हो पूरा घर अपाहिज वाली जिंदगी गुजारता है। अगर आपके घर में कोई अपाहिज नहीं है तो आपको कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे हुजूर की हदीस याद आई, मेरे आका फरमाते जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है वो अब मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मगर नौजवानों में आपसे पूछता हूं, शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, चलते चलते मेरे पाओं के में छाले पड़ गए, मेरे जूते टूट गए, छाले पड़ गए पाओं में गर्म जमीन पे चलने की वजह से, और जब वो फूट गए उसमें मेरे जख्म निकलने लगे, तो मैं कहने लगा मालिक इतना तो दे दे मैं जूते खरीद दूं, मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पाओ में जख्म हो गए। कहते हैं मैंने अगले मोड़ पे देखा तो एक बंदा था, उसके दोनों पाओ नहीं थे, वो हैंडीकैप था, वो खड़ा था। मैं सजदे में गिर के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास दोनों पाओ तो हैं, उसके पास तो पाओ ही नहीं है। ऊपर को ना देखो, नीचे को देख के शुक्र अदा करो, तुम दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। याद रखो कितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, एक याद रखना, एक आदमी अस्पताल में गया 80 साल का और उसको सांस लेने में दिक्कत थी और 1.5 दिन में उसका बिल आया 90,000। वो ठीक होने के बाद बिल को देख के रोने लगा, डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं, कहा नहीं नहीं अल्लाह ने इतना दिया है पूरा अस्पताल खरीद सकता हूँ। तो कहा फिर रोते क्यों हो, कहने लगे बस ये सोच के रो रहा हूँ कि तेरी मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया और मैं अल्लाह की हवाओं में कब से सांस ले रहा हूँ, बूढ़ा हो गया, कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तुम इधर गए उधर गए, अपने रस से तुम दूर चले गए। नौजवानों में आपसे ये बात करने आया था, मेरे दोस्तों में तुमसे आपसे बात करने ये आया था और आपसे यही अर्ज करने के लिए मैं इस महफिल में आया हूँ कि ये बताओ सबसे कीमती चीज ईमान है और ईमान इस वक्त नौजवानों का खतरे में है, उनके डेटा ने खतरे में कर दिया है, उनके इंस्टाग्राम ने खतरे में कर दिया है, उनके फेसबुक ने खतरे में कर दिया है और इसके इतने खतरे में कर दिया है कि हजरत इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा, उनका मुरीद यानी अली के मुरीद का मुरीद, अली के खलीफा का मुरीद, हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरे जमाने में एक हाफिज था, वो और बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, पूरे बसरा में उसकी तरह ना तो कोई कारी, ना कोई कारी, ना कोई हाफिज। वो एक दिन सुबह के वक्त मेरे पास आके रोने लगा, कह लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, कह लगे मैं हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा, वो बताना क्या हो गया, कहा हुजूर मैं बात यह है कि कल से मुझे कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं, एक एक लफ्ज दिल से निकल गया। कहा क्यों, कहा कल एक लड़की जा रही थी उस पर बुरी नजर डाली, उसका पीछा किया तो वो मुसलमान लड़की थी, मुझे तरफ देख के बोली तुझे शर्म नहीं आती हाफिज कुरान होके मुसलमान लड़की का पीछा करता है। कहा फिर, कहा उस वक्त से लेके अब तक कुरान की एक आयत एक हर्फ तक याद नहीं, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, मेरा कुरान तो निकल गया, कहीं मेरा ईमान मेरे दिल से निकल जाए, हुजूर आप दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी ऐसे रोए कि पूरा चेहरा भीगने लगा। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरे दौर में सबसे ज्यादा जो लोग बेईमान होके मरे वो बदनिगाही की वजह से मरे हैं। अल्लाह अकबर, इमाम हसन बसरी ने दुआ की, उसकी आंखें ठीक हो गई और वो उसका कुरान उसे याद आ गया, उसका कुरान उसे याद आ गया और अल्लाह का फजल हो गया। मगर हमारे पास तो कोई हसन बसरी नहीं है, ना हम अली के खलीफा के पास जा सकते हैं, तो फिर ये रातों की तस्वीरें देखने वाले, गंदी फिल्में देखने वाले लड़के, कोई ऐसा मोबाइल होगा जिसके अंदर इंस्टाग्राम में तस्वीरें ना होंगी गंदी, कोई ऐसा लड़का होगा जो रोज हाफ न्यूड लड़कियों को नहीं देखता होगा, मुसलमान लड़के गंदी अपनी तस्वीरों को ना देखते होंगे। अपने अपने घर जाके मोबाइल चेक करना और याद रखना तुम्हें थोड़े दिनों के लिए भेजा गया था अल्लाह की इबादत करने के लिए दुनिया में, ये बदतमीजी करने के लिए नहीं भेजा गया था। अल्लाह ना करे ईमान छिन गया तो क्या होगा, बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवानों, अरे नौजवान तो नौजवान, अब तो औरतों के लड़कियों के किरदार इतने खराब हो गए, ये अभी एक दो हफ्ते पहले की बात है कि लखनऊ के सिनेमा घर के बाहर खड़े होकर एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी और उसका नाम जरीन फातिमा था और वो बुर्का ओढ़े हुई थी। उससे पूछा मीडिया वाले ने कि तेरा नाम क्या है, कहा जरीन नाम है, कहा जरीन फातिमा नाम है, कहा क्या आप फिल्म देख के आई हैं, कहा जी, कहा आपको फिल्म कैसी लगी, तो कहने लगी ये डांस अच्छा लगा, ये फला फला माजल्ला ये अच्छा लगा, अगर मैं करीब होता तो उसके पांव पकड़ के कहता क्या बदनामी कराने आई है,
कम से कम तू उस नाम की लाज रख लेती जो तेरा नाम फातिमा है। फातिमा नबी की बेटी का नाम रख के सिनेमा घर के बाहर खड़ी है, तुझे शर्म नहीं आई? अरे ये तो बता अल्लाह अकबर कैसे मुसलमान है? नाम मोहम्मद सलीम है, नाम मोहम्मद अनवर है, नाम अहमद है, नाम शफीक है, नाम अबू बकर है, नाम उमर है, और गंदे स्टेटस लगे हुए हैं लड़कियों के। तौबा तौबा माज अल्लाह, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? नहीं है दिल में नबी की मोहब्बत, क्या करेंगे? इकबाल कहता है बुशिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाईस रुसवाई पैगंबर हैं। आज हालात किस कदर बद से बदतर हो रहे हैं। अरे हमसे बेहतर तो पहले जमाने के फकीर थे कि एक फकीर जमा मस्जिद में भीख मांग रहा था। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज गुजर के गया, अंग्रेज ने उससे कुछ मांगा, अंग्रेज ने कुछ दे दिया, और जब अंग्रेज आगे बढ़ा तो बटुआ गिर गया। अंग्रेज तो चला गया, बाद में देखा मुसलमान ने तो ढूंढा, अंग्रेज नहीं मिला, बटुआ रख लिया। 3 महीने के बाद अंग्रेज वापस विजिट करता है, वापस आता है, वो कहता है ये हुजूर ये आपका बटवा है साहब। वो देखता है बटवे को, अपने पैसे को देखता है, अपने 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 पर्स को, कहने लगे ये पैसे तो इसमें सारे हैं, ये बता तूने इतने पैसे, क्या तू फकीर नहीं है? अगर तू चाहता ये पैसे खर्च करके तेरी जिंदगी गुर्बत खत्म हो सकती थी, तूने ये पैसे खर्च क्यों नहीं किए? कह लगा मैं फकीर हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी होती, मगर मैं इतना बुरा नहीं हूं। ले अपनी ये अपना ये बटुआ ले जा, चल ले जा। अंग्रेज बोला बटुआ तो मैंने ले लिया, मगर ऐसा कर अब जरा अपना हाथ आगे बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा। जब उम्मती की ईमानदारी का ये आलम है तो फिर नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? उम्मती शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई ये पैगंबर हैं। तेरे स्टेटस पे तो आला हजरत की नाते होनी चाहिए थी, तेरे स्टेटस, अरे तेरा मोबाइल पे जब कोई स्टेटस चेक करता तो उसमें हदीस लगी होनी चाहिए थी, कब्र के ताल्लुक से बातें लगी होनी चाहिए थी, तेरे स्टेटस पर आला हजरत का गुंबद लगना चाहिए था, तेरे स्टेटस पर मुजाहिद मिल्लत का गुंबद लगना चाहिए था, ताकि लोग देखते तो समझ जाते मेरे मोबाइल में जिसका नंबर है ये कोई आम आदमी नहीं है, रसूल का गुलाम है, नबी का गुलाम है। मगर तेरा तर्ज अंग्रेजों की तरह, तेरी बोली अंग्रेजों की तरह, तेरा चलना अंग्रेजों की तरह, तेरा बोलना अंग्रेजों की तरह, तू बंबई के लोगों की तरह बोलता है, तू उन्हीं की तरह स्टेटस लगाता है। नौजवान जरा शर्म तो कर, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी रीलें वैसी बन रही हैं, तेरा फेसबुक वैसे ही अपडेट हो रहा है, तू अपने फेसबुक में अपनी तस्वीर डाल के कहता है कोई मुझे लाइक कर दो, कोई मुझे लाइक कर दो। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, क्या मुसलमानों के पास कोई किरदार नहीं था? अरे तुम पूरे अरब के लड़के बर्बाद हैं। 10 से 15 साल के बच्चों पर रिसर्च हुआ 2015 से लेकर 2019 तक के बच्चे क्या बनना चाहते हैं, कतर के, अबू धाबी के, दुबई के, कौन बनना चाहते हैं, मदीने और मक्के और रियाज के बच्चे क्या बनना चाहते हैं? तो सुनो, वो अरब जिसकी तकद्दुस की तुम कसम खाते हो, उस अरब में रहने वाले वो बदअकीदा नजदी, उनके बच्चों ने लिख के दिया कि हम बड़े होकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी फुटबॉलर बनना चाहते हैं। अरब ने फुटबॉलर को खरीद लिया और कहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे बच्चों को सिखाओ फुटबॉल। क्या उन बेगैरतों को ये पता नहीं कि मुसलमानों के पास कोई ऐसा आइडियल नहीं जिसकी तरह अपने बच्चों को बनाए? अरे बिल्कुल था, हमारे पास तो एक ऐसा नमूने अमल था कि पूरी दुनिया की किसी कौम के पास नहीं था। सुनो बंबई के लोगों की नकल करने वालों, इन नकली लोगों की क्या असल कर नकल करते हो? मैं तुम्हें असली की बात बताता हूँ। वो 10 साल मदीने में हुकूमत कर किया था, उसने 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए थे, यानी एक दिन में, एक वो 3 दिन में एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई थी, यानी एक दिन में उसके दौरे हुकूमत में 3 मस्जिदें बन के तामीर होती थी। वो कौन था जिसके कपड़े पे 17 पैमत थे मगर उसने आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा गाड़ दिया था? वो कौन था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर के बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे।